चीज की बहन निशा यादव की हत्या यूपी पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से की गई है, तो हम यही चाहेंगे, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बहन निशा यादव के हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। साहब बोले हैं कि आप चुनाव जीत करके आइए तब अही रेजिमेंट पर हम उसको ये करेंगे, अही रेजिमेंट का हक दिलाएंगे, जो कानून है वो पास करेंगे। तब तो हम चाहेंगे कि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब तो चुनाव जीत गए हैं तो जितना जल्दी हो सके अही रेजिमेंट का गठन हो। नमस्कार प्रणाम आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ अहिराना स्टार मगध सम्राट संतोष रेणु यादव जी के पास, जो कि इनके बड़े भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ जी चुनाव जीत चुके हैं। सर, सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और जितने भी जो हमारे श्रोता समाज जो तवाही न्यूज भोजपुरी को देख रहे हैं उनको आपके बेटा आपके भाई संतोष रेणु यादव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। तो सर, सवाल मेरा ये था कि दिनेश लाल यादव जी चुनाव जीत चुके हैं, जिनका आप काफ़ी विरोध करते थे और आपके बड़े भाई भी थे, हो तो चुनाव तो जीत गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? चलिए, चुनाव जीत गए, बहुत बहुत बधाई उनको, शुभकामनाएं। लेकिन अब तो ठीक है, वो कह रहे थे कि यही रेजिमेंट के बारे में बोल रहे थे कि हमको सीएम साहब बोले हैं कि आप चुनाव जीत करके आइए तब अही रेजिमेंट पर हम उसको ये करेंगे, अही रेजिमेंट का हक दिलाएंगे, जो कानून है वो पास करेंगे। तब तो हम चाहेंगे कि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब तो चुनाव जीत गए हैं तो जितना जल्दी हो सके अही रेजिमेंट का गठन हो। तो आप तो चुनाव में उनका मदद तो नहीं किए, अब तो उनका विरोध किए हैं, तो फिर अब मैंने एक ना एक आपका जो है ना कुछ लगा हुआ रह रहा है अपने बड़े भाई से। नहीं, देखिए, सबसे पहले चीज़ कि बड़े भाई बोले तो बड़े भाई से तो उम्मीदें होती है। दूसरी चीज़ कि जहाँ तक आपने कहा कि चुनाव में आपने विरोध किया था, तो चुनाव में विरोध दिनेश लाल यादव का थोड़े था, उनके सिद्धांतों का, उनकी नीतियों का विरोध था। हम जैसे अब यहाँ पे जो है, जब आप सीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, या किसी भी संवैधानिक पद पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम उनको वोट करें या ना करें वो तो सबके हैं ना। जो लोग वोट करेंगे क्या सिर्फ उन्हीं का काम करेंगे वो? जो लोग नहीं भी वोट करेंगे, यही तो लोकतंत्र की एक विशेषता है, यही तो लोकतंत्र की शोभा है कि जो आपको वोट करें ना करें, लेकिन जब आप चुनाव जीत जाते हैं, उस संवैधानिक पद पे चले जाते हैं, तब आपको एक नज़र से सबको देखना चाहिए, पूरी पब्लिक आपकी है। तो हम तो यही चाहेंगे कि यही रेजिमेंट का जितना जल्दी हो सके वो अपने वादे के अनुसार गठन करवाएं। और दूसरी चीज़ कि बहन निशा यादव की हत्या यूपी पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से की गई है, तो हम यही चाहेंगे, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बहन निशा यादव के हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। झांसी के रहने वाले पुष्पेंद्र यादव जी के हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। हाथरस की रहने वाली महादलित की बेटी, उनके हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। हम तो यही ठीक चाहेंगे। है, आपका कहना सही है, मान लीजिए तो सच्चाई घटना है, इस पे आपका कहना सही है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा ताकि आपके कानों में आपके दिमागों में याद है सब चीज़ बात। लेकिन अगर दिनेश लाल यादव जी के माध्यम से अगर एक काम नहीं हुआ तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? तो नहीं हुआ तो अगला स्टेप तो फिर है ही है, आजमगढ़ के जनमानस हैं, पूरे समस्त भारत के जनमानस हैं, वो तय करेंगे। और वो जो तय करेंगे तो फिर किन्हीं को फिर कुछ तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर तो किन्हीं को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आने वाले समय में अही रेजिमेंट का जिस तरह से मांग हुआ है, मतलब क्या होगा, मतलब कि दिनेश लाल यादव जी करवा पाएंगे, आपको क्या उम्मीद लगता है? देखिए, अब चुनाव तो इसी नाम पे जीते हैं कि अही रेजिमेंट का गठन कराएंगे। अब अही रेजिमेंट का गठन वो कराते हैं या नहीं कराते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। भाई, जनमानस तो आपको वोट दे दिया, ठीक है, लेकिन अब आप चुनाव जीतने के बाद क्या जो सब लोग करते आते हैं वैसा ही काम आप भी करते हैं क्या? ये तो देखने वाली बात होती है। और रही बात अही रेजिमेंट का गठन दिनेश लाल यादव को इस वजह से करानी चाहिए, अगर वो यादव हैं रियल में, अगर अहिर हैं, तब तो उनको ज़रूर इस पर विचार करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि उसमें भी अगर कोई शक है, तब तो फिर कुछ हम नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप आगे फिर अही रेजिमेंट के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप तो अहीरों की लड़ाई लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं अहिरों की लड़ाई, हम में से जब तक मैं जीवित हूँ इस धरती पे, जब तक हूँ तब तक मेरी एक एक सांस जो है ना, एक एक धड़कन जो है ना, वो अहिरों के लिए बोलती रहती है, धड़कती रहती है। रही बात कि कुछ लोग बोलते हैं कि जातिवादी है ये वो, नहीं, हम जातिवादी नहीं हैं,
हाँ मैं अहिर हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी किस्मत है कि मैं अहिर कुल में जन्म लिया हूँ, दादा श्री कृष्ण का मैं वंशज हुआ। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे मान लीजिए कि सब लोगों को मैं सम्मान करता हूँ, मैं बात करता हूँ 90% मैं अहिरों की, OBC SC ST अल्पसंख्यक की बात करता हूँ, जनरल की भी बात करता हूँ, वैसे लोग जिनके मन में जातिवाद की भावना नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि दिनेश लाल यादव भी ये विचार को मन में बैठाएं और मन में बैठा करके आजमगढ़ को एक विकसित क्षेत्र बनाएं। और आजमगढ़ को जो बोले थे कि फिल्म सिटी ऐसा वैसा, कि जो काम 5 साल में नहीं होता है वो काम हम 2 साल में करके दिखाएंगे, तो हम तो चाहेंगे कि करके देने के लिए बोले थे। हाँ करके देने के लिए बोले थे वो, तो हम तो चाहेंगे कि और क्या चाहिए, आप कीजिए ना। अगर आप बढ़िया बढ़िया काम कीजिएगा तब तो सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे ना जी। हैं अभी नहीं खाली भौंकाली पुआ बांध दिए, अब भौंकाली पुआ बांध करके वोट लेके चुनाव जीत गया, जीत गया के बाद में उन्हें जा करके तो चलिए, ये थे ऐसा हमारे आराम साथ कर रहे में हैं। संतोष रेणु यादव जी, जो कि काफ़ी कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं दिनेश लाल यादव जी का। तो सर आपको जाते जाते हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? आप क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछते हैं और जनमानस की जो सवाल होती है वो आप हमसे पूछ करके फिर से जनमानस तक पहुंचाते हैं। आप हमारे जनता जनार्दन और हमारे बीच का ब्रिज का काम करते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को।